मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर वाहन स्टैंड पर तैनात कर्मचारी को महिला SI से वाहन का किराया मांगना महंगा पड़ गया। पहले किराए को लेकर कर्मचारी के साथ महिला SI ने विवाद किया और फिर देखते ही देखते दूसरी महिला SI ने मौके पर ही धुनाई कर दी। घटना से डरा कर्मचारी मौके से भाग निकला और फिर नौकरी छोड़कर गांव चला गया। ये घटना 21 अक्टूबर की रात करीब 10:30 बजे की है, लेकिन इसका CCTV फुटेज सोमवार को सामने आया है, जिसके बाद GRP से लेकर जिला पुलिस तक हड़कंप मच गया। इधर कर्मचारी के साथ मारपीट करने वाली दो महिला SI में एक आकांक्षा सिंह GRP थाना जबलपुर में पदस्थ है और दूसरी बरेला थाने में पदस्थ आरती मंडलोई है। इस मामले में GRP और जिला पुलिस दोनों ही जांच कर रही है। दरअसल बरेला थाने में पदस्थ एक महिला सब इंस्पेक्टर का वाहन के किराए को लेकर विवाद हुआ था। बताया जाता है कि विवाद बरेला थाने में पदस्थ महिला सब इंस्पेक्टर के साथ शुरू हुआ। वे स्टैंड में अपनी गाड़ी खड़ी करके चली गई। 21 अक्टूबर को वे जब वापस आई और स्टैंड में खड़ी कार ले जाने लगी तो कर्मचारी ने पैसे मांगे। इस पर महिला सब इंस्पेक्टर ने वर्दी का रौब दिखाया। उन्होंने पैसे न देने की बात कही। इस पर स्टैंड के कर्मचारी ने उन्हें 200 रुपए देने को कहा और बताया कि यदि आप पैसे नहीं दोगे तो स्टैंड संचालक मेरी सैलरी से पैसे काट लेगा। सब इंस्पेक्टर बिना पैसे दिए जाने लगी तो कर्मचारी ने उनकी गाड़ी रोक ली। ये देखते ही महिला SI भड़क गई और GRP थाने में फोन लगा दिया। थाने में पदस्थ SI आकांक्षा सिंह वहां पहुंची और स्टैंड कर्मचारी पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। SI कर्मचारी सोनू सिंह को मारते हुए GRP थाने लेकर आई। SI की धमकी के बाद सोनू सिंह ने काम ही छोड़ दिया और अपने गांव चला गया। GRP थाना प्रभारी बलराम यादव का कहना है कि स्टैंड कर्मचारी राजू सिंह दोनों महिला SI के साथ अभद्रता करते हुए गाली गलौज कर रहा था, इसी कारण से ऐसी स्थिति बनी थी। सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहा है उसकी जांच करवाई जा रही है। इधर ASP प्रदीप शेंडे ने भी बरेला थाने में पदस्थ SI आरती मंगलोई से स्पष्टीकरण मांगा है।